वेलकम बैक एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे रेनी सीजन यानी कि एडवांसिंग मॉनसून सीजन। जब इंडिया के अंदर आपका मॉनसून आता है, प्रारंभ होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आपके विंटर और समर सीजन के बारे में। तो ये जो आपका सीजन आता है, ये आता है अब जून से सितंबर। ठीक है, ये रेनी सीजन है आपका। जून से सितंबर तक का जो पीरियड होता है आपका, इसमें जो प्रेसिपिटेशन होती है वो सीजन टू सीजन वेराई करती है, आपकी जो बारिश है, और रीजन टू रीजन, एक जगह से दूसरी जगह। और कुछ एरिया जो है आपके वो ज्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर बहुत कम बारिश होती है। इंडिया जो है आपका मैक्सिमम रेनफॉल जो रिसीव करता है वो इसी समय के दौरान करता है जो बारिश का मौसम होता है। बारिश तो बाकी साल में और टाइम भी होती है, बट इस समय सबसे ज्यादा होती है। और ईस्ट से जब हम वेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं आपके इंडिया में, जो हम आपके स्टेट्स की अगर बात करें, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब जाते हैं तो आपकी बारिश जो है वो कम होती जाती है। और जो एक चीज हम देखते हैं कि भी जो कंटिन्यूअसली जो आपकी क्वांटिटी होती है वाटर की, वो समुद्र में जाकर मिलने की वजह से, चाहे वो सीधा बारिश हो समुद्र में, चाहे रिवर के द्वारा जाकर पानी समुद्र में गिर जाए, तो वो वेस्ट हो जाता है पानी। और कई बार ये जो है पानी आपका इतना ज्यादा बरस जाता है कि जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। जो लोअर पार्ट्स हैं आपके, निचले भाग होते हैं जो कंट्री के, वहां पर मॉनसून की जो रेन है, जो मॉनसून में जो बारिश आती है वो बहुत अनसर्टेन होती है, उसके बारे में ज्यादा कुछ पता लगाया नहीं जा सकता है। और जो मॉनसून बर्स्ट होते हैं आपके, वो अर्ली कुछ कई बार जो है जल्दी आ जाते हैं, कई बार बहुत लेट आते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो ड्राई स्पेल्स होते हैं ना आपके, यानी कि सूखे का दौर आ जाता है, एक एक दिन बरस के कई दिन उस बीच में ना बारिश हो, तो सूखे का दौर भी बीच में आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपकी जो बुक भी है आपके पास, अगर है नहीं है तो यहाँ पर देखिए मैप में, एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, एडवांसिंग मानसून का तो हमने देख लिया कि यहाँ से एडवांस करते हुए यहाँ से वो बढ़कर आता है। अब हम देखेंगे रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन या पोस्ट मॉनसून सीजन, ट्रांजिशन और ओटोमन सीजन, कि मॉनसून के आने के बाद क्या असर होता है। सीजन जो आपका अक्टूबर से नवंबर तक, और इस समय के दौरान जो है आपका मॉनसून कमजोर हो जाता है, कम बारिश होती है। ठीक है, और अक्टूबर की बिगिनिंग के द्वारा इसको फिर रिप्लेस कर दिया जाता है आप। और लो प्रेशर जो कंडीशन है इस समय, यानी कि जो लो प्रेशर एरिया, हमने पढ़ा था ना कि लो प्रेशर की वजह से ही बारिश होती है, तो जो लो प्रेशर एरिया आपका ऊपर तिब्बत के पठार पर था वो अब शिफ्ट होकर बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से वहां पर साइक्लोनिक डिप्रेशन क्रिएट होते हैं। और जो ईस्टर्न कोस्ट आपके, जो ईस्टर्न कोस्ट पे जो स्टेट्स हैं, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहां पर जो है बारिश और तूफान देखने को हमें मिलते हैं, चक्रवात तूफान। लास्ट सालों से आप पढ़ भी रहे होंगे कि आपकी न्यूज में देखने को मिलता है कि स्टेट्स पे चक्रवात आ रहे हैं, तो ये काफी भयानक होते हैं। अब रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, बारिश तो आ गई लेकिन अब हम देखेंगे भी कितनी होती है ये बारिश, किस एरिया में कितनी बारिश होती है। तो 400 सेंटीमीटर से ऊपर जो आपके इलाके हैं, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स जो आपके हैं इंडिया के, वहां पर 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश होती है ये। और लेस देन 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर से नीचे जो बारिश होती है वो है आपकी वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेटू, जो आपका डेक्कन प्लेटू है, और लेह के अराउंड जो जम्मू और कश्मीर। ठीक है, उसके बाद जो आपकी 50 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर के बीच में कहाँ कहाँ पर बारिश होती है, मॉडरेट रेनफॉल जो है रेस्ट कंट्री में, वो होता है आपका इसमें, इस एक तो इसमें जो आपकी वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, देखिए हाईएस्ट हमने देख लिया, लोवेस्ट हमने देख लिया, और इसके अलावा जो होते हैं फिर वहां पर मॉडरेट रेनफॉल होता है। और इसमें भी जो है हर साल जैसे मॉनसून आता है तो हर साल एक जैसी बारिश नहीं करेगा वो, हर साल उसमें वेरिएशन आएंगे, कभी ज्यादा कभी कम। और वेरिएबिलिटी जो है आपकी लो रेनफॉल वाले रीजन में काफी हाई रहती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात और लीवर्ड जो साइड होती है आपकी वेस्टर्न घाट्स का, लीवर्ड के बारे में भी हम पढ़ेंगे क्या होता है लीवर्ड साइड, और कुछ एरिया जो आपके प्रोन होते हैं फ्लड के
के इलाके होते हैं जहां पर फ्लड आने की संभावना बनी रहती है, और कुछ एरियाज आपके फिर सूखे से सूखा संभावित क्षेत्र होते हैं जहां पर सूखा पड़ने की, यानी कहीं पर ज्यादा बारिश हो जाएगी तो वहां बाढ़ आ जाएगी, और जहां पर बिल्कुल बारिश नहीं होगी वहां सूखा पड़ जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में जो मौसिन ड्राम है आपका, वो सबसे वेटेस्ट प्लेस माना जाता है पूरी पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। मौसिन ड्राम जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आपका देखने को मिलता है एरिया, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टिव केव्स, यानी कि जो आपने कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखी हो, तो केव्स में क्या जो गुफाएं होती हैं, गुफाओं में छत से कुछ इस तरीके की चट्टाने जो है बन जाती हैं, नुकीली चट्टाने कुछ इस तरीके से, ठीक है। वो उसकी गुफाओं की छत पे इस तरीके से लटकी हुई होती हैं, ठीक है। नीचे भी कुछ इसी तरीके के जो है वो स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा होती है वहां पर, तो पानी उनके अंदर से रिस रिस के रिस रिस के वो इस तरीके से पत्थर को काट के डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मॉनसून एज ए यूनिफाइंड बॉन्ड जो है हमारे पास, मॉनसून इंडिया के अंदर जो जून से सितंबर तक आता है, और ये पैटर्न जो है इसमें जो इसका टेम्परेचर है वो लैंड और ओशन वाले इलाके में अलग अलग देखने को हमें मिलता है, ठीक है। और जैसे कि हिमालय जो है, हमें आपकी जो एक्सट्रीम कोल्ड एयर होती है सेंट्रल एशियन एरिया से आने वाली विंड्स जो होती हैं उनको रोकता है हिमालय, हमें हारी इसी में हेल्प करता है। हाई टेम्परेचर जो नॉर्थ इंडिया में जो बना रहता है आप, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू जो है आपका मॉडर्न क्लाइमेट, यहाँ पर मैरिटाइम इन्फ्लुएंस की वजह से नॉर्थ इंडिया में आपका हाई टेम्परेचर क्यों, क्योंकि वहां पर लैंड मास ज्यादा है। और पेनिनसुलर प्लेटू पर मॉडरेट क्लाइमेट क्यों है, क्योंकि वहां पर जो समुन्द्र की वजह से वो प्रभावित होते हैं, तो पानी क्या है आपका देरी से ठंडा होगा, देरी से गर्म होगा, तो दिन में जितनी एनर्जी वो उसको चाहिए होगी वो शाम तक जाकर उसको अब्जॉर्व करेगा, ठीक है। यानी कि वो आसपास के इलाके को दिन में ज्यादा गर्म नहीं होने देगा, और रात के समय क्या करेगा, जो देरी से ठंडा होते हुए वो अपने अंदर जो उसने एनर्जी रिसीव की है दिन भर की उसको रात को रिलीज करता रहेगा, तो इसलिए रात में ज्यादा ठंडक भी नहीं होने देता है। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में जो आपका प्लेन इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहां पर क्या होता है कि दिन में जितना अमाउंट ऑफ हीट वो रिसीव करता है उतनी जल्दी वो एरिया गर्म हो जाता है, और रात को जितनी जल्दी वो रिलीज करता है उतना ही जल्दी वो ठंडा हो जाता है। यूनिफाइंग रोल जो आपका इसमें मॉनसून का, वो काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि ये एक सीजन आपका साइकिल बनाता है, सीजन को रिदमिक बनाता है, ठीक है। सर्दी गर्मी बारिश का जो है इसको साइकिल की तरह इस चीज को चलाता है। मॉनसून जो इंडियन लैंडस्केप है, ठीक है, और जैसे कि इंडिया के अंदर जो हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, कृषि प्रधान देश है हमारा इंडिया, तो मॉनसून के ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ता है, और हमारी जितनी एक्टिविटीज भी होती हैं, प्लांट्स एनिमल्स जो है हमारे यहाँ पर, एग्रीकल्चर कैलेंडर जो होता है ना हमारा, जैसे कि नॉर्दर्न साइड में क्या होता है, बैसाखी आती है तो फसल को काटते हैं, त्योहार मनाते हैं फसल के काटने के लिए बैसाखी, तो इसी तरीके साउथ के जो स्टेट है वहां पर भी ऐसे ही जो है इनके लिए मॉनसून की वजह से जो है त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है, और खुली आंखों से सभी मॉनसून का इंतजार करते हैं, ठीक है। उन फेस्टिवल को जो है हर जगह बनाया जाता है, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। अब जो सीजनल रेनफॉल है आपका जून जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है, सीजनल जून से लेकर सितंबर तक देखिए आपकी ये जीरो डार्क ना सॉरी लाइट, और जितना डार्क होता जाता है उतनी ज्यादा बारिश वहां पर आपको देखने को मिलती है, तो इन स्टेट्स में कोस्टल इलाके में और इन स्टेट में ज्यादा बारिश है, ओके। और ये एनुअल रेनफॉल है फिर आपका, कि पूरे साल भर में पूरे इंडिया में कितनी बारिश रिसीव होती है, ये 3 मंथ्स का है, 4 मंथ्स का सॉरी, ठीक है। ये चार आपके सीजन हमने पढ़े हैं अभी, समर विंटर ऑटमन और स्प्रिंग। अब एक चीज, काल बैसाखी जो है, लोकल थंडर स्टॉर्म जो आपकी वोयलेंट विंड जो टोरेंटियल डाउन पॉस होती हैं, इनके द्वारा जो हेल के द्वारा कंपाइंड की जाती हैं, जो वेस्ट बंगाल में आपकी एक्सपीरियंस की जाती हैं जिसकी वजह से काफी तबाही होती है, उनको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। लू जो है आपकी, ये काफी स्ट्रॉन्ग गस्ती और ड्राई विंड्स होती हैं जो दिन के समय चलती हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। गर्म हवाएं जो बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है, और कई बार तो ये देर शाम तक चलती रहती है, इनको लू कहा जाता है, ठीक है।
ये ऐसे इलाके हैं जो कई गर्मी के समय में इन इलाकों में ये चलती है। मैंगो शावर क्या होता है आपका? जब मैंगो शावर जो कहते हैं टूवर्ड्स जो समर सीजन जब क्लोज होने का होता है तो उसके समय जो प्री मॉनसून शावर्स होते हैं, केरला और कर्नाटका में मॉनसून के आने से पहले जो प्री मॉनसून आता है, बारिश आती है, ये जो आम होते हैं उन इलाकों में उनको जल्दी पकने में मदद करता है, इसलिए इनको मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। अब विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड की जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, वो विंडवर्ड साइड तो है आपकी ये इस वाली साइड, ठीक है, जो विंडवर्ड साइड होती है माउंटेन की, यहाँ पर हमने बात की थी कि जो वाटर वेपर्स होते हैं हवा में, वो हम जितना हाइट पे चढ़ते जाते हैं आपका टेम्परेचर कैसा होता जाता है, कम होता जाता है, और इस वजह से जो वाटर वेपर्स एयर में होते हैं वो टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर में कन्वर्ट होकर बारिश के रूप में नीचे गिर जाते हैं। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते वो जितना पानी उसके पास होता है वो सारा नीचे गिर जाता है। तो इस साइड तो उसने सारी बारिश कर दी, लेकिन ये विंडवर्ड साइड तो हो गई सारी बारिश, यहाँ पर ज्यादा मॉइस्चर दिखा, लेकिन दूसरी साइड जब वो जाती है तो उसके पास कोई मॉइस्चर नहीं होता, कोई वाटर वेपर्स नहीं होती, इसलिए वो सूखा रह जाता है वो वाला इलाका। ओके, और ब्रस्ट ऑफ मॉनसून क्या होता है आपका? जब मॉनसून का समय होता है आने का और जब नॉर्मल रेनफॉल जो चल रही होती है वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाए और कई दिन तक लगातार बरसता रहे पानी, तो इस ऐसी सिचुएशन को बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहा जाएगा कि बहुत लगातार दिन तक बारिश होती रहे। अक्टूबर हीट क्या होती है? जब रिट्रीट होता है मॉनसून का, ठीक है, क्लियर स्काई हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है अक्टूबर के मंथ में, ठीक है, अक्टूबर के मंथ में टेम्परेचर एक बार दोबारा बढ़ने लगता है और मौसम जो है नाइट्स इस समय जो है, रातें जो आपकी थोड़ी सर्द और ठंडी हो जाती हैं, सुहावनी होने लगने लगती हैं, और लैंड जो इस समय आपका जो जमीन है वो अभी भी मॉइस्ट रहती है, जमीन उसमें देखने को मिलती है, हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंडीशन जो इस समय क्रिएट होती है, वेदर इस समय जो है आपका ओप्रेसिव, मतलब बहुत ज्यादा गर्म बन जाता है दिन के समय में, और इसीलिए इसको अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। तो ये सब आपका इंडियन क्लाइमेट के बारे में था। आई थिंक आपको सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, सो ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।